प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास जानने के लिए जो स्रोत हैं, वो इतिहासकार के लिए आधार भूमि का काम करते हैं। इसी क्रम में हम साहित्यिक स्रोतों के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम अध्ययन करेंगे प्राचीन भारत के पुरातात्विक स्रोतों का। प्राचीन भारत के इतिहास के निर्माण में पुरातात्विक स्रोतों की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आइए पहले हम जानें कि पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व सुस्पष्ट यानी जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हों, ऐसे भौतिक अवशेषों के अध्ययन का विषय है। यह निरंतर भौतिक पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले बदलावों का अध्ययन करता है तथा पृथ्वी के नीचे दबी हुई वस्तुओं का अध्ययन करके किसी संस्कृति या सभ्यता के विषय में तथ्य उजागर करता है। आसान शब्दों में हम ये कहें तो पुरातत्व का अर्थ है भूतकाल के बचे हुए भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन करना। यदि हम इस शब्द की परिभाषा देखें तो पुरातत्व आर्कियोलॉजी शब्द से बना है जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्कियस जिसका अर्थ है एंशिएंट यानी प्राचीन, और दूसरा है लॉगस यानी नॉलेज जिसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी प्राचीन वस्तुओं और भौतिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। प्राचीन भारतीय पुरातात्विक स्रोतों के जो प्रकार हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब ये जो सोर्स हैं, वो इतिहास में दो रूपों में महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये जो पुरातात्विक सोर्सेस हैं, वो स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में हमारे प्रयोग में आते हैं। जैसे आपको आप जानते हैं कि जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना नहीं सीखा था, उस समय के काल का ज्ञान हमें उसके औजार, उसके आभूषण, उसकी जो हड्डियां हैं, मन के बने हुए हैं, जो उसने अभी अपनी अभिव्यक्ति की है रेखाओं के माध्यम से, उसके माध्यम से ही हमें उस काल का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार पुरातात्विक स्रोत स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में कुछ कालों के बारे में हमें बताते हैं। दूसरे प्रकार से भी ये महत्वपूर्ण है, यानी जो साहित्यिक स्रोत हमें मिल रहे हैं, जो लिखे हुए स्रोत हमें मिल रहे हैं, उसके संशोधक के रूप में या उसके समर्थक के रूप में या उसके पुष्टिकारक के रूप में भी ये हमारी सहायता करते हैं। इन पुरातात्विक स्रोतों को हम निम्न प्रकार से बांट सकते हैं। पहला, अभिलेख, सिक्के, मोहरें, स्मारक, चित्रकला व मूर्तिकला तथा पुरावशेष। अब बारी बारी से हम इन सभी प्रकारों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम अभिलेख। अभिलेख किसे कहते हैं? किसी भी ठोस सतह पर यदि उत्कीर्ण करके कोई लेख लिखा जाए तो वो अभिलेख कहलाता है। ये इतना बड़ा विषय है कि इसके अध्ययन की एक शाखा ही विकसित कर दी गई है जिसे एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। ये अभिलेख क्यों लिखवाए जाते थे? वास्तव में जो शासन की आज्ञा है या किसी राजा की प्रशस्ति है या दान का लेख है या व्यक्तिगत कोई लेख है या भूमि दान पत्र है, इन सब के रूप में ये लिखवाए जाते थे। जैसे आप लोग जब बाहर निकलते हैं कॉलेज से या अपने घर से, तो आप देखते होंगे कि सड़कों पर बड़े बड़े बैनर्स लगे हैं या पोस्टर हैं या दीवारों पे कुछ लिखवाया हुआ है। उसमें आप देखते होंगे कि कुछ तो सरकारी आदेश हैं या कुछ सरकारी योजनाओं के बारे में लिखा होता है या किसी संस्था विशेष की उपलब्धियों को गिनाया जाता है। क्यों करा जाता है ये? ताकि उसका प्रचार प्रसार हो सके।
अब हम बात कर रहे हैं हजारों वर्ष पहले की। उस समय इस तरीके की कोई सुविधा नहीं थी कि प्रिंट करके और कुछ बैनर बना दिया जाए या पोस्टर बना दिया जाए या रेडियो पे अनाउंस कर दिया जाए, टीवी पे एड दे दिया जाए। तो क्या करते थे उस समय अपनी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए या अपनी आज्ञा का प्रचार प्रसार करने के लिए जो राजा थे या बड़े बड़े लोग थे या कोई निगम था या कोई संस्था थी, वो इस तरीके के अभिलेख जगह जगह खुदवा दिया करते थे ताकि जनता उनके कार्यों से, उनकी आज्ञाओं से, आदेशों से परिचित हो सके। ये जो अभिलेख थे वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों के वाहक हैं। हमें बहुत सारी चीजें हैं जो इन अभिलेखों से पता चलती हैं, जैसे उसको लिखवाने वाले राजा का नाम क्या है, उसका विरूद क्या है यानी वो किस प्रकार की उपाधि ग्रहण कर रहा है, उसकी राजनैतिक उपलब्धियां क्या है, उसने कहीं की विजय तो नहीं की इस तरीके से, उसका प्रशासन कैसा है, क्योंकि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम भी हमें इन अभिलेखों में प्राप्त हो जाते हैं, उस राजा का धर्म क्या है, उस काल की कला और संस्कृति की जानकारी भी ये अभिलेख देते हैं, उस राजा के द्वारा की गई विजयों का उल्लेख भी हमें उनसे पता चल जाता है, और राजा का साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था इसकी जानकारी भी इन अभिलेखों के माध्यम से हमें मिलती है। अब बात करते हैं हम इन अभिलेखों के प्रकार की। ये तो हमने पढ़ लिया कि किसी ठोस सतह पर यदि अभिलेख को उत्कीर्ण करते हैं तो वो लेख क्या बन जाता है, अभिलेख। अब बात आती है कि कौन सी सतह पर उस अभिलेख को उत्कीर्ण किया गया है। जिस सतह पर किया गया है उस सतह के आधार पर ही अभिलेख को नाम दे दिया जाता है। जैसे यदि शिला पर उत्कीर्ण किया गया है तो वो शिलालेख बन जाएगा, यदि स्तंभों पर उसको उत्कीर्ण करवाया गया है तो वो स्तंभ लेख का नाम ले लेता है, यदि ताम्र पत्र पर लिखवाया गया है तो ताम्र पत्र लेख बन जाता है, यदि गुहाओं में यानी गुफाओं में लिखवाया गया है तो उसे हम गुहालेख का नाम देते हैं, और यदि मूर्ति के ऊपर कोई लेख खुदा हुआ मिलता है तो उसे हम मूर्ति लेख कहते हैं। आइए अब हम इनका उदाहरण देख लें। ये देखिए एक बहुत बड़ी सी शिला है जिसके ऊपर एक लेख लिखा हुआ है, तो ये कहलाता है शिलालेख। और इसके उदाहरण के स्वरूप हम अगर देखना चाहें तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें से बहुत से अभिलेख शिलाओं पर लिखे हुए मिलते हैं, मुख्यतः 14 शिलालेख हैं, और उसके उदाहरण हम मौर्य काल के अंतर्गत विस्तार से पढ़ेंगे। अब आते हैं स्तंभ लेख। ये स्तंभ लेख कहाँ लगवाए जाते थे? ये स्तंभ लेख नगर में लगवाए जाते थे जहां पर चट्टाने नहीं है लिखने के लिए। तो क्या किया जाता था, पर्वतों से एक बहुत लंबे प्रस्तर को काटा जाता था। फिर हम अशोक की बात करेंगे कि अशोक ने लगभग 40 से 50 फुट का एक प्रस्तर यानी एकाश्मक, एक ही पीस में जो पत्थर था उसे चुनार की पहाड़ियों से कटवाया था, और देखिए किस तरीके से उसने इसको तराशा है, और ये पूरा 40-50 फीट का एक ही पत्थर है जिसको जमीन में गड़वा दिया जाता था, और उसके ऊपर जो भी उसकी राजाज्ञा है या जो आदेश है, जो कहना चाहता है वो जनता को, वो उस पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है। तो स्तंभ लेख क्या हुए, जो नगर के बीच में स्तंभ बनवा कर जिनके ऊपर लेख लिखाया जाता था। अब आता है ताम्र पत्र। ये जो ताम्र पत्र आपको दिखाई दे रहा है, अधिकांश ताम्र पत्र जो हमें प्राचीन भारत में मिले हैं वो सब भूमि दान पत्र हैं। एक तो जो तांबा है वो मजबूत धातु होता है, और दूसरा तांबे का रंग जमीन के रंग से मिलता जुलता होता है। संभवतः इसीलिए जब भी राजाओं के द्वारा या किसी रानियों आदि किसी संस्था के द्वारा भूमि दान में दी जाती थी तो उस आदेश को ताम्र पत्र पर खुदवाकर उस व्यक्ति को दे दिया जाता था।
इसमें राजा की वंशावली मिलती है हमें, जो व्यक्ति दान ले रहा है उसकी वंश के बारे में पता चलता है, ये दान किस प्रकार का है, धार्मिक दान है या पुरस्कार के स्वरूप में दिया गया है, ये सब पता चलता है। वो जो भूमि दान में दी जा रही है उसमें कौन कौन से कर लेने वाले अधिकारी हैं उनको बताया जाता, उनको संबोधित किया जाता था कि भाई ये वाला कर तुम्हें राज्य उसमें नहीं लेना है राजकर के रूप में, बल्कि ये व्यक्ति उन करों का उपभोग करेगा। इस तरीके से ताम्र पत्रों में हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं। ये है गुहा लेख, ये गुहा है। दरअसल जो भी साधु थे, सन्यासी थे, वो नगर में तो रहते नहीं थे, तो राजाओं के द्वारा उनके लिए पर्वतों में इस प्रकार की गुफाएं बना दी जाती थीं, और इन गुफाओं के अंदर की जो दीवार है उसके ऊपर लेख लिखवा दिया जाता था कि किस राजा के द्वारा किस धर्म के साधकों को ये प्रदान की जा रही है। ऐसे हमें दशरथ के द्वारा दी गई बाराबर की गुफाओं में हमें इस प्रकार के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ये है मूर्ति लेख। जो मूर्ति का लेख है वो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है कुषाण सम्राट का, वो है महाराज रजति रजस देव पुत्र कनिष्क। इस तरीके से मूर्ति के नीचे जो लेख लिखा हुआ मिलता है वो भी इतिहास बताने में बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता है। लेकिन ये जो अभिलेख है ये हमें सारा इतिहास बता दें ऐसा संभव नहीं है, कुछ इनकी भी सीमाएं हैं, और वो सीमाएं क्या हैं वो जान लेना आवश्यक है। एक तो ये पत्थर पे लिखवाए हुए होते हैं, और पत्थर जो है वो धूप से, वर्षा से या किसी प्राकृतिक आपदा से नष्ट हो सकता है। इससे क्या होता है, इनका कुछ भाग लुप्त हो जाता है, कुछ अक्षर जो है वो लुप्त हो सकते हैं, और इस तरीके से हमें वो इतिहास पता नहीं लगता। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी, प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के लिए हरिशयन ने लिखी है, उसमें जो शुरुआत की कुछ पंक्तियां हैं वो मिट गई हैं और सिर्फ कुछ ही शब्द उसमें पढ़ने में आते हैं। यदि वो पूरे हम पढ़ पाते तो हमें पता चल जाता कि समुद्रगुप्त ज्येष्ठ पुत्र था या नहीं था, या उसके पिता ने अपने जीवित रहते ही उसे गद्दी दी थी या नहीं दी थी। क्योंकि अब हमें क्या करना पड़ता है, अब हमें अनुमान लगाना पड़ता है बचे हुए शब्दों से, जो है तुल्य कुलच मुख मिलान, उससे हमें अनुमान लगाना पड़ रहा है। लेकिन यदि हमें ये अभिलेख पूरा मिल जाता तो हमें प्रामाणिक इतिहास की जानकारी हो पाती। दूसरी जो सीमा है अभिलेख की वो ये है कि हमें अभिलेख तो मिल जाए, लेकिन उसमें यदि हमें राजा का नाम नहीं मिले तो उस अभिलेख में जो कुछ भी लिखा गया है उसे हम किसका इतिहास माने, किस काल का इतिहास माने, समस्या है। और ऐसा हमारे साथ हुआ था, जब हमें अभिलेख मिलने लगे, बहुत सारे शिलालेख मिले जिन पर लिखा हुआ था देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा ये कहते हैं, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा ये कहते हैं। अब समस्या ये थी कि इतिहास में मिलने वाले किसी भी साहित्यिक ग्रंथ में कोई भी देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी राम नाम के राजा का उल्लेख ही नहीं था। तो इन अभिलेखों में लिखे हुए जो कथानक है, जो कलेवर है, उसे किस राजा से संबंधित किया जाए, ये समस्या थी। ये तो हमें बाद में मास्की में एक अभिलेख मिला जिसमें लिखने वाले ने संभवतः भूल से लिख दिया था देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक ये कहते हैं। जैसे ही हमें राजा का नाम प्राप्त हुआ, हमें सारे अभिलेखों, सारे शिलालेखों के अंदर मिलने वाली जो भी जानकारी थी वो एकदम से पता चल गई कि ये सब मौर्य कालीन अशोक के द्वारा लिखवाए हुए अभिलेख हैं और उस काल की जानकारी हमें प्रदान करते हैं। लेकिन यदि राजा का नाम नहीं मिलता तो हम उन्हें प्रयोग में नहीं ला सकते थे। इसके बाद एक अन्य सीमा जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रशस्तियां हैं वो तो लिखी ही गई किसके लिए है, प्रशंसा करने के लिए। और कौन लिखता है उसे, जो राजा का दरबारी है, जिसे उसको लिखने के बाद पुरस्कार मिलेगा, नाम मिलेगा। तो प्रशस्तियों को जब हम इतिहास में प्रयोग करें
तो हमें अन्य साक्ष्यों से उसकी तुलना कर लेनी चाहिए। यदि अन्य साक्ष्य भी उस प्रशस्ति के अंदर जो व्यक्ति के गुण बताए जा रहे हैं उनका समर्थन करें तो हमें उस प्रशस्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर एक और सीमा ये है कि जो अभिलेख है उस तत्कालीन राजा ने या संस्था ने उसने लिखवाए तो थे, लेकिन आज जब हम भ्रमण पर जाते हैं, सैलानी के तौर पर जाते हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि ये जो अलग सी भाषा में लिखा हुआ दिख रहा है हमें, वो इतिहास समेटे हुए है। और हम क्या करते हैं, उन अक्षरों को, उन शब्दों को मिटाकर वहां अपना नाम लिख देते हैं कि देखो भाई, हम आएंगे जब इतने सालों बाद तो हमें अपना नाम मिलेगा यहाँ पर। तो हम अज्ञानवश उस अभिलेख को, जो अपने अंदर इतिहास समेटे हुए है, उसे भ्रष्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं। और सबसे अंतिम सीमा ये है कि ये निर्जीव है जब तक इन्हें पढ़ा ना जाए, और ये स्वयं बोल नहीं सकते जब तक हम इन्हें प्रकाश में नहीं लाएंगे, जब तक हम इनका अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तब तक इनका लिखा हुआ सब व्यर्थ है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ अभिलेख हमें मिले हैं, लेकिन चूंकि आज तक हम उसकी लिपि नहीं पढ़ सके हैं, नहीं पहचान सके हैं, तो वो होते हुए भी, उनमें इतिहास होते हुए भी वो हमारे प्रयोग में नहीं लाए जा सकते। आज बस इस कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे, और जो बाकी के पुरातात्विक सोर्सेस हैं वो हम अपनी अगली क्लास में करेंगे।